टीम इंडिया के साथ एकमात्र टेस्ट मैच खेलने भारत पहुंची बांग्लादेश टीम के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड को 4-0 के अंतर से हराकर आत्मविश्वास से लबरेज टीम इंडिया के सामने अच्छा प्रदर्शन करना मुशफिकुर रहमान की टीम के आगे चुनौती से कम नहीं होगा। बांग्लादेश के कप्तान मुशफिकुर रहीम का कहना है कि हैदराबाद में होने वाले टेस्ट में हम दिखा देंगे कि हमारी टीम क्या कर सकती है। एक तरह से ये विराट कोहली ब्रिगेड को चेतावनी देते हुए बांग्लादेश के कप्तान रहीम ने कहा कि इस टेस्ट में अपने प्रदर्शन से हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत में हम क्या कर सकते हैं। टेस्ट मैच से पहले बांग्लादेश की टीम भारत ए के खिलाफ 2 दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगी। 17 बरस पहले ICC पूर्णकालिक सदस्य का दर्जा मिलने के बाद बांग्लादेश का भारत में यह पहला टेस्ट है। मुशफिकुर ने हालांकि इसे ऐतिहासिक टेस्ट मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं कि मुझे यह ऐतिहासिक टेस्ट नहीं लगता। मसलन अगर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलें तो दबाव अधिक होगा क्योंकि उनसे हारने से बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की टीम काफी संतुलित है, हमारे पास संतुलित टीम है जिसमें तेज गेंदबाज स्पिनर और बल्लेबाजी में गहराई है और हम विराट सेना को हराने का मादा रखते हैं। तो बांग्लादेश की टीम टेस्ट क्रिकेट में अब नवजात नहीं रही है। टेस्ट में इस टीम ने अपने हाल के प्रदर्शन से इस बात को साबित किया है। प्रदर्शन में आए इस सुधार के बावजूद भारत के खिलाफ एकमात्र टेस्ट में इस टीम की क्षमता की सही परीक्षा होगी। देखते रहिए DB Live।